दोस्तों ये एक वोल्टाज एसी का रिमोट है। तो वोल्टाज में दरअसल में हमने देखे कि काफ़ी मॉडल हैं जो वोल्टाज में, कोई बड़े कोई छोटे कोई हर तरह के मॉडल हैं, तो उनके रिमोट हैं। तो ये भी रिमोट आया एक दोस्तों, ये एक वोल्टाज का ये भी है, ये भी रिपेयर होना है, तो हमने इसकी भी एक वीडियो बना ली है, तो हम इसकी एक वीडियो भी डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, कुछ कीपैड काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। तो चलो दोस्तों हम इस मॉडल की खोल के सर्विस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पहले सेल निकाल लें, इसमें दोस्तों कोई पेस तो है नहीं इस मॉडल में, तो हम इसको खाली ब्लेड के थ्रू खोलेंगे। आपके पास ऐसा कोई ब्लेड है तो उसके उससे आप खोल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसको किनारे किनारे पे ब्लेड को धीरे धीरे आगे ले जाते रहें, तो इसके लॉक थोड़े से ढीले होते रहेंगे। जो फर्स्ट टाइम खुलता है दोस्तों वो थोड़ा सा टाइट खुलता है। दोस्तों हमने इसकी बैक हटा ली, अब आपको ये चार पेज खोलने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों इसकी पीसीबी को आपके लिक्विड से साफ कर लें। दोस्तों इसकी पैड आप बाहर निकाल लें। अब इस पैड को आप सारे, इसके सारे बटन आप साफ कर लें। तो दोस्तों इसके पूरे पैड साफ करने के बाद आप हम इसको पैड को आप इसमें लगा लें, पीसीबी आप कस लें। ये सेंसर से भी जो धूल वगैरह मिट्टी हो तो उसको बैठा लें, कई बार इस पर भी धूल मिट्टी होती है तो इसके भी थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है। और ये भी देख लें कोई हिल भी नहीं रहा, अगर हिल रहा हो तो उसको सोल्डरिंग कर दें। तो चलो दोस्तों इसको बंद करते हैं। चारों पेज कसते हैं, तो हमने ये चारों पेज पूरे कस लिए। अब हम इसका एक बार, वैसे तो इसमें सेल लग के ऐसे भी चेक हो सकता है, तो हम इसमें सेल लगा देते हैं। ये डिस्प्ले आ गई है, तो हम इसकी बैक लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों सही काम करने लगे। तो दोस्तों ये सारे कीपैड की काम करने लगी। तो दोस्तों आपके पास अगर ऐसा वोल्टाज का एसी का रिमोट है तो आप इसी तरह आप इसको खोल के उसको सर्विसिंग कर सकते हैं। आप इसे खोल के ऐसे इसी तरह आप रिमोट रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।